वो किसी कॉपी के पहले पन्ने की साफ और सुंदर सी लिखाई है, पर मैं उसी कॉपी के आखिरी पन्ने पे हो रही कीड़े और मकौड़ों की लड़ाई। कि वो किसी कॉपी के पहले पन्ने की साफ और सुंदर सी लिखाई है और मैं उसी कॉपी के आखिरी पन्ने पे हो रही कीड़े और मकौड़ों की लड़ाई। कि हर कोई पढ़ सकता है उसे, कि हर कोई पढ़ सकता है उसे, वो बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में लिखी गई है। और जहाँ तक मेरी बात आती है, मैं तो इतने भद्दे अक्षरों में लिखा हूँ कि मुझे तो पढ़ना ही बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, एक बात है कि इतने आसान लफ्ज़ों में लिखा हूँ कि बस कोई जहमत तो करे एक बार मुझे पढ़ने की, बड़ी आसानी से समझ आ जाऊंगा। लेकिन लगता है कि अब दुनिया का दस्तूर यही हो गया, सब तो यहाँ पढ़ना सीख रहे, समझना तो कोई चाहता ही नहीं, अपने दिल का हाल यहाँ कोई बताता ही नहीं। खैर छोड़ो, वैसे वो पेंसिल से लिखी एक भूल है, वो पेंसिल से लिखी एक भूल है, मैं पेंसिल की गलती, वो मिटकर भी समझ सकती है, वो मिटकर भी समझ सकती है, लेकिन मैं वो मंजर बन चुका हूँ, उस भूल को दोहरा कर एक गलती बन चुका हूँ। कि वो पेंसिल से लिखी एक भूल है, मैं पेंसिल की गलती, वो मिटकर भी समझ सकती है, लेकिन मैं वो मंजर बन चुका हूँ, उस भूल को दोहरा कर एक गलती बन चुका हूँ, जिस गलती को मिटाने की कोशिश की जा सकती है बेशक, लेकिन जिस पर लिखा हूँ मैं, वो सफा भी तो पढ़ सकता है। लेकिन अब लगता है कि दुनिया का दस्तूर यही हो गया, लोगों को भूल करने से पहले ही गलतियां करने का शौक हो गया। और एक बात है जो मुझे अब तक समझ नहीं आई है कि न जाने क्यों किसी को उस भूल को दोहराने में डर भी नहीं लगता है। अब कर भी कह सकते हैं दस्तूर तो दुनिया का है, यही कहते हैं ना, कि अब कर भी कह सकते हैं दस्तूर तो दुनिया का है, और मैं दुनिया नहीं हूँ, मैं तो दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, शायद किसी ने मुझे पढ़ा भी नहीं अभी तक, मैं कोई ऐसा ही किस्सा हूँ। लेकिन मैं खुद को इस दुनिया के दस्तूर से दूर नहीं कर सकता, मैं खुद को इस दुनिया के दस्तूर से अलग नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन सोचता जरूर हूँ कि आखिर कसूर है किसका। तो अंदर से एक आवाज़ आती है, एक जवाब आता है खुद से ही, और वो आवाज़ कहती है आदत। कि मैं आदमी हूँ और वो मेरी आदत है, जिसकी बात कर रहा हूँ वो आदत है कि जिस आदत को हर एक इंसान देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, लेकिन कोई पढ़ने की जहमत तक नहीं करता। कि जिस आदत के अधीन होकर इंसान ने जाने क्या कुछ कर जाता है, वो एक बार फिर उस भूल को दोहरा कर एक गलती कर जाता है, और अंत में इल्ज़ाम दुनिया के दस्तूर पर आ जाता है। क्यों? तो सोचा मैंने इस बारे में कई दफ़ा, तो एक बात समझ आई मुझे अपने बारे में, कि मेरी जो आदत है वो किसी कॉपी के पहले पन्ने की साफ और सुंदर से लिखाई की तरह है, और मैं उस आदत को समझने के लिए उसी कॉपी के आखिरी पन्ने पे हो रही कीड़े और मकौड़े। बहुत शुक्रिया। तो ये थी मेरी कविता, और अंत में एक छोटा सा शेर, कि मैं उस चांद को अपना नहीं कह सकता और तुम मेरा चांद ही तो हो। शुक्रिया।